अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे अदरक का पाउडर। अब आप में से कुछ लोग आधी वीडियो देखकर ये कहेंगे कि ये सब तो हमें पहले पता है क्योंकि इसको बनाने का तरीका सेम लहसुन जैसा है, लेकिन इसे स्टोर करने का तरीका डिफरेंट है। लहसुन के पाउडर को आपने सिंपल बना के रख दिया था, लेकिन अदरक के पाउडर को स्टोर कैसे करना है ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। वीडियो को स्किप करने की बजाय इसको पूरी देखने इसमें आपका ही फायदा है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए अदरक, इसे छील कर इस तरह से रफली काट लें क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए इसे काटना जरूरी है ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए। इसके बाद इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल ना हो तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। ये जी चॉप कर लिया है, आप इसे किसी खुले बर्तन में डालकर फैलाकर रख दें। उल्टा के इस तरह कर लें, हम उल्टा के नहीं मतलब पास करके। ये देखें, इस तरह से आपने फैला कर रखना है। अगर इससे भी कोई स्टील की बड़ी परात या ट्रे हो आपके पास तो और भी जल्दी ड्राई हो। ये कोई आधा किलो के करीब अदरक था, लेकिन जब इसका पाउडर बना तो वो एक पाव भी नहीं था। तो आप खुद सोचें कि ये पाउडर इतना महंगा क्यों मिलता है, यही वजह है। मैं आपको डिफरेंट कंपनीज के अदरक लहसुन के पाउडर के प्राइस भी बताऊँगी, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो इतना कितने का दे रहे हैं। अब आपने इसको ढक के धूप में रख देना है। मैंने राबिया बाजी को स्पेशल कहा था कि धूप में एक दिन रखने के बाद इसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो ये आपके सामने है। एक दिन में ये सिर्फ इतना सा ड्राई हुआ है। उसके बाद दो दिन धूप नहीं निकली, बारिश होने की वजह से 4 से 5 दिन इसे ड्राई होने में लग गए। अगर अच्छी धूप हो तो 2 दिन में काफ़ी है, 2 दिन में ये ड्राई हो जाता है। ये देखें जी, 5वें दिन ये अदरक कितना अच्छा सूख गया है। जब आप इसे सुखा लें तो हाथ से लाजमी मसल कर देखें कि कहीं थोड़ा बहुत अदरक रह तो नहीं गया या इसमें कोई नमी तो नहीं है। जब मसलने के बाद इस तरह की कड़क आवाज़ आए तो मतलब 100% ड्राई हो चुका है। अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं। इसे ग्राइंड कर लें और फिर इसे अच्छे से छान कर फाइन सा पाउडर बना लें, और ये जी अदरक का पाउडर तैयार है। इसको ज़्यादा देर स्टोर करने के लिए आपने इसका पाउडर बनाने के बाद 1 दिन और धूप लगवानी है, क्योंकि अदरक में पानी होता है। इसे ड्राई करने के बाद जब हमने इसका पाउडर बनाया तो इसमें नमी फील हो रही थी। एक तो ग्राइंडर को रोक रोक कर 2 से 3 बार चलाएं ताकि इसमें ज़्यादा नमी ना बने, और दूसरा पाउडर को बनाने के बाद धूप लास्ट में लगवाएं। भाई ऊपर से दबा के रखें वरना ये उतर जाता। तो ये थी जी टिप अदरक के पाउडर को स्टोर करने की। अब आप इसको 1 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, हूँ मैं जल्दी ना रिपीट कर देनी है। पहले तुसी थोड़ा जहा अदरक लैके उन्हें छिल के छोटे छोटे टुकड़ियाँ से कट लेना। उस तो बाद उन्होंने कद्दूकश कर लो या फिर चॉपर च पा के चॉप कर लो, तो उन्हें किसी खुले बर्तन च पा के फैला के धुप च रख दो। 2 दिन उन्होंने चंगी धुप लवानी ताकि वह सही तरह सुख जाए। फिर उन्होंने मसाले वाली डब्बी च पा के ग्राइंड कर लो, तो तुहाडा अदरक पाउडर तैयार। ए नाल ही मैं इजाजत चाहवागी। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उन्होंने लाइक शेयर तो कमेंट लाजमी करना।